Hi guys, welcome back. भाई साहब तैयार हो जाओ डंकी के लिए, क्योंकि एक के बाद एक ऐसी न्यूज़ मिलती जा रही है डंकी से रिलेटेड कि भाई लग रहा है कि बहुत बड़ा धमाका जो है होने जा रहा है. शाहरुख खान प्लस राजकुमार हिरानी का जो डेडली कॉम्बो है ना, अनबिलीवेबल चीज़ें होने जा रही हैं. तो अभी डंकी से रिलेटेड क्या कुछ न्यूज़ आई है, क्या इसका टीज़र जो है वो 2 तारीख को, जी हाँ, एस आर के डे बोल रहे हैं उसको, क्या इस दिन पर लोड हो रहा है या नहीं, सब कुछ बताती हूँ आपको इस वीडियो में. वीडियो कमेंट जरूर देख लो, चैनल कर लो सबसे पहले सब्सक्राइब. बात करने वाले हैं यहाँ पर अच्छे से डंकी के बारे में और इससे रिलेटेड क्या चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं. देखो, चाहे वो ओवरसीज़ हाइप हो, चाहे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हो, चाहे स्क्रीन काउंट्स हो, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन हो, डंकी कह सकते हो कि पूरी तरीके से रेडी बैठी है टीम, कि अभी प्रमोशन स्टार्ट किया, अभी टीज़र डाला, इतने रेडी हैं. अभी मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि डंकी का जो टीज़र है इसका कह सकते हैं ऑलमोस्ट कंफर्म डेट जो है 2nd of November की आ चुकी है, विच इज़ शाहरुख खान बर्थडे. उस दिन बहुत ज़बरदस्त चीज़ें होने जा रही हैं. वैसे जवान OTT पर रिलीज़ हो रही है और साथ में हम लोग बात करते हैं डंकी के टीज़र की. अब ये कल की बात है, मैंने सोशल मीडिया पर देखा सडनली डंकी जो है वो टॉप ट्रेंड में जाने लग गई थी और मुझे ऐसा एकदम से अंदेशा हुआ कि क्या हुआ, क्या डेट आई है, क्या टीज़र की डेट आई है या कुछ और चीज़ आई है. सडनली मैंने चेक तो मैंने देखा कुछ ऐसी इमेजेस जो कि डंकी की बिहाइंड द सीन वाले शूट से निकल कर आई थी. अब इमेजिन करो, इतनी बड़ी फिल्म है जिसका कॉन्सेप्ट भी हमको पता है, इसका बिहाइंड द सीन कितनी और चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन इस पिक्चर में मुझे क्या चीज़ें देखने को मिली. राजकुमार हिरानी ऑफ कोर्स इज़ देयर और ये एक फॉरेस्ट का बैकड्रॉप है, ये एक रियल फॉरेस्ट है, एक रियल जंगल दिखाया गया है जिसमें राजकुमार हिरानी अपने पूरे कास्ट एंड क्रू के साथ है और डंकी के ऊपर काम चल रहा है. इसमें शाहरुख खान नज़र नहीं आए मुझे, SRK तो इसमें नज़र नहीं आया, लेकिन ये डंकी का ही काम जो है ये चल रहा था. अब ज़रा सोचो, आज के टाइम में हम लोग जब देखते हैं डेडिकेशन ऑफ वर्क, बहुत कम ऐसे डायरेक्टर्स हैं जो इतना डेडिकेटेड रहे कि अगर कोई जंगल सीन आना है तो उसको ग्रीन स्क्रीन पे नहीं बनाने की ज़रूरत है. आजकल कितना सब कुछ ईजी हो चुका है, ग्रीन स्क्रीन लगाओ, एक जंगल का बैकड्रॉप लगाओ, सब कुछ रेडी हो जाएगा बैठे बैठे स्टूडियो में. बट दे आर चूजिंग टू एक्चुअली गो टू द रियल लोकेशंस विद देयर कास्ट एंड क्रू एंड शूट. दैट टेल्स अस द काइंड ऑफ कन्विक्शन द डायरेक्टर हैज़. मतलब राजकुमार हिरानी सर वैसे ही, चाहे वो 3 Idiots हो, चाहे वो PK हो, चाहे वो उससे पहले मुन्ना भाई हो, कोई भी उनकी कड़ी आप ले लीजिए, उनका काम आप ले लीजिए, कहीं पर कोई फ्लॉ निकाल नहीं सकता है. कहीं पर कोई ये नहीं कह सकता कि यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ किया गया, यहाँ पर कैमरा वर्क ठीक नहीं था, यहाँ पर कुछ ऐसा वैसा, कुछ भी आप नहीं निकाल सकते हो. वही परफेक्शन चीज़ जो है, परफेक्शन वाली चीज़ जो है, वो डंकी में हमको नज़र आने वाली है. तो भाई साहब उन इमेजेस को देख के लग रहा था यार, एक तो मेहनत कितनी जाती है, दूसरी चीज़ ये बंदा एडमेंट है कि नहीं, मुझे अगर करना है जंगल सीन करना, मैं जाकर ही शूट करूँगा, आई विल नॉट सिट बैक एंड रिलैक्स इन माई स्टूडियो एंड डू थिंग्स. तो इसीलिए मैंने आपसे शुरू में ही बोला कि भाई साहब ये राजकुमार हिरानी वाला जो कॉम्बो होने वाला है ना शाहरुख खान सर का, वो तो भाई दिमाग हिलाऊ होने वाला है इन टर्म्स ऑफ स्टोरी टेलिंग, इन टर्म्स ऑफ हैविंग अ कन्विक्शन ऑफ दैट स्टोरी. हमको यही छोटी सी एक इमेज, अगर एक सिंगल इमेज में ही कितना कुछ हमें बता जाती है कहानी, तो सोचो फिल्म में तो पता नहीं कितने ऐसे इंस्टेंसेस हैं. तो जब मैंने कल देखा, मैंने कहा बॉस, देर इज़ समथिंग दैट इज़ कुकिंग एंड वी डोंट नो अबाउट इट, कि ये भाई साहब ये क्या करने वाले हैं, ये क्या होने जा रहा है, इसका हमें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है. फोड़ के रख देगी ये फिल्म, और वही होता हुआ नज़र आ रहा है कि भाई ये फिल्म तो फोड़ने जा रही है. और इसी के साथ, जैसे मैंने आपसे कहा कि हवा बननी शुरू हो गई है 2nd of November की, सब लोग बात कर रहे हैं भाई इस दिन पर टीज़र आ रहा है. और देखो, अभी तक भी डंकी के मेकर्स या प्रोड्यूसर्स या डायरेक्टर या एक्टर किसी ने भी अपने ऑफिशियल हैंडल पे अभी तक हमको कुछ नहीं बताया कि आप इस दिन पर देखेंगे टीज़र, इस दिन पर ये आएगा वो आएगा. सब कुछ जो है वो आ रहा है फ्रॉम द सोर्सेज, एंड दैट इज़ व्हाट शाहरुख खान मार्केटिंग इज़ ऑल अबाउट. उनको मार्केटिंग गुरु बोलते हैं, ऐसे ही नहीं बोलते हैं, शाहरुख खान को मार्केटिंग गुरु है वो, कि उनको ज़रूरत नहीं है जाकर कि वो अनाउंस करें अभी इतना जल्दी. करते हैं, करेंगे ज़रूर, जब वो डेट बिल्कुल आसपास होगी तब करेंगे, लेकिन उससे पहले से ई डजेंट नीड इट. आई मीन वो बंदा वैसे ही 2,000 करोड़ कमा कर दे चुके हैं बॉक्स ऑफिस पे. अब अगली जो है वो ये भी एक लौती फिल्म ऐसी जो अकेली 2,000 करोड़ कर जाएगी, इतना ज़बरदस्त हाइप है डंकी का. तो क्या लगता है आपको कि ये जो इमेजेस, अब वो इमेजेस मैं यहाँ पर नहीं लगाने वाली हूँ, वो मैंने जानकारी लगाई है, बट आप उनको सोशल मीडिया पर फाइंड आउट कर सकते हो. इट विल बी टोटली अमेजिंग, धमाका होगा, धमाका बहुत बड़ा. सो आई एम वेटिंग फॉर दिस टीज़र, जो टीज़र की जो न्यूज़ आती है या इस तरीके की जब न्यूज़ आती है बहुत एक्साइटिंग फील होता है मुझे, और मैं सोचती हूँ मुझे ज़रूर आपसे शेयर ज़रूर करना चाहिए. क्या लगता है भाई साहब डंकी क्या करेगी, डंका ही डंका चल रहा डंकी का, क्या करने वाली डंकी, कॉमेंट सेक्शन में से शेयर कर सकते हो. बाकी लाइक दिस वीडियो, थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल.